बदायूं डबल मर्डर मामले में दूसरे आरोपी जावेद की तलाश और ज्यादा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस की चार टीमें आरोपी जावेद की तलाश कर रही हैं। उसके करीबियों के घर पर पुलिस दबिश दे रही है। एक आरोपी साजिद का पहले एनकाउंटर हो चुका है और आपको ये भी बता दें कि साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होगी, ये जानकारी निकल कर आ रही है। डीएम ने 15 दिन के अंदर जांच करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार देर शाम दो सगे भाइयों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जबकि हमले में तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में तनाव। लज पड़े। इसके बाद तो वो सड़क दोनों पार्टी के कार्यकर्ता के बीच जंग का मैदान बन गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी और पत्थर से हमला किया, जबकि इस दौरान वहां पुलिस वाले भी मौजूद दिखाई दिए। बताया गया कि मारपीट में दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ताओं को सिर में चोट लग गई। मारपीट कर रहे टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अलग किया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल से पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया और एक ही इलाके में दोनों पार्टी के नेताओं की जनसभाएं होने की वजह से मामला गर्मा गया, क्योंकि दिनहाटा बाजार इलाके में बीजेपी नेता निशित प्रमाणिक की रैली के साथ उसी इलाके में टीएमसी नेता उदयन गुहा की भी रैली होने वाली थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि जैसे ही वो अपनी जनसभा को संबोधित करके वहां से निकलने लगे, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इसके बाद तो ऐसा बवाल शुरू हुआ कि वहां अफरा तफरी मच गई। एक केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री के बीच झड़प और हंगामे की वजह से माहौल बिगड़ गया। निशित प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई। पहले भी 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक किया गया। हालांकि ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनकी रैली की तरफ बढ़े और पथराव शुरू कर दिया था। जिला सभापति सह कयेकजन सब मोटा मोटा बांस लाठी लिए जाके पर्चे पेटाते शुरू करे। उदयन गुहा ने आरोप लगाया कि निशित प्रमाणिक के सुरक्षा कर्मियों ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों पर हमले किए। 1.5-2 घंटे तक सड़क पर हंगामा और बवाल होता रहा। इस दौरान मामले को शांत कराने में वहां मौजूद पुलिस वालों की भी सांसें फूल गई। लेकिन कूचबिहार के दिनहाटा में हुई घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री के साथ बदसलूकी और झड़प की घटना के विरोध में बीजेपी ने कूचबिहार में जोरदार प्रदर्शन किया और एसपी ऑफिस के घेराव की कोशिश की। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एसपी दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सड़क पर बांस से बैरिकेटिंग कर दी। पुलिस ने बांस की बैरिकेटिंग करके उस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। निशित प्रमाणिक के काफिले पर हमले से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। न्यूज 18 के राइजिंग भारत मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों को दिया कड़ा संदेश, कहा भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जा रहा। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। न्यूज 18 के राइजिंग भारत मंच से संजय राउत के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारे विरोधी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। देश ने तो मन बना ही लिया है, फिर एक बार मोदी सरकार 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच पर अमित शाह की सीए और यूसीसी पर दो टूक, कहा मुद्दों से पीछे नहीं हट सकते। राहुल गांधी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है, तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है।
समझे, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता, तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद आज पार्टी नेताओं के साथ बुलाई बैठक। पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी, अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन पत्र खरीदे। समाजवादी पार्टी ने संभल, बागपत, नोएडा, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर के उम्मीदवारों की लिस्ट की जा रही। संभल से शफीकुर रहमान के पोते को मिला टिकट, तो नोएडा का उम्मीदवार भी बदला। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदायूं हत्याकांड के आरोपी जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। दूसरे आरोपी साजिद एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेट जांच। असम के धुरवी से आईसिस भारत का चीफ आतंकी फारूकी गिरफ्तार। बांग्लादेश से भारत की सीमा में घुसा था आतंकी फारूकी की एक सहयोगी को भी असम एसटीएफ ने पकड़ा। पाकिस्तान के ग्वादरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर आतंकियों का हमला, 7 लोगों के बारे जाने की खबर। चीन के अधिकारियों के दफ्तर पर हुआ हमला। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता उदयन गुहा के उकसाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि केंद्रीय मंत्री पर भी पथराव किया गया। लेकिन उदयन गुहा पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की। एसपी ऑफिस के घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर एसपी ऑफिस में घुसने की कोशिश में थे, जबकि वहां भारी संख्या में तैनात पुलिस वाले हर हाल में उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे। लेकिन बवाल की इस घटना ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसदीय सीट का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कूच बिहार लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने खाता खोला था। 2019 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए निश्चित प्रमाणिक ने टीएमसी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया था, और 2024 के चुनाव में भी उस कामयाबी को दोहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। दक्षिण में इसकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जिला बांग्लादेश के साथ करीब 550 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके अलावा पूर्व में असम के साथ इस जिले की करीब 85 किलोमीटर की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भूटान बॉर्डर की दूरी भी सिर्फ 60 किलोमीटर की है। बांग्लादेश की सीमा के करीब बसे इस जिले को राजनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील माना गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को यानी पहले ही चरण में यहां वोटिंग होगी। लोकसभा के लिए ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।